सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए ही देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अगर आप फॉरवर्ड कर देते हो तो बीच में आपको कुछ भी छूट सकता है, मतलब कि आप सही से इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाओगे। क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे भी कमेंट्स आए हैं और बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें मैंने रिप्लाई करके बताया कि वीडियो को ठीक से देखो तब समझ में आएगा, और उन लोगों ने सही से वीडियो देखा और अपना लॉगिन जो है वो टीवी में कर पाया है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यही है कि अपने स्मार्ट टीवी में अपने अमेज़न प्राइम को कैसे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका टीवी एक वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आप जैसा मैं करता हूँ सेम आप भी वैसा ही स्टेप्स जो है वो फॉलो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना प्राइम वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम वीडियो ओपन करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आ रहा है, या फिर आपके सामने इस तरह का भी इंटरफेस आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर आप साइन इन वाले बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको वो फ़ोन लेना है जिस फ़ोन से आपने अमेज़न प्राइम वीडियो अकाउंट को परचेस किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा वो फ़ोन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, गूगल क्रोम बॉक्स में जाना है और क्रोम में आके टाइप करना है दोस्तों एक वेबसाइट। वेबसाइट आप सोच रहे होंगे कि ये जो टीवी पे जनरेट हो रहा है ये वाला वेबसाइट मैं ओपन करने के लिए बोलूँगा, लेकिन ये वेबसाइट नहीं ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। डायरेक्ट अगर आप ये वाला वेबसाइट ओपन करते हो तो आप लॉगिन तो कर पाओगे, लेकिन फिर से परचेस करने के लिए ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको वेबसाइट कौन सा ओपन करना है। तो आपको टाइप करना है www.primevideo/mytv। आप जो ये वाला वेबसाइट देख रहे हो www.primevideo/mytv, ये वाला लिख के आपको सर्च कर देना है। उसके बाद से ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है Amazon Prime Video enjoy streaming on your TV, यहाँ पे हमको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले लॉगिन करना होगा वो वेबसाइट आपको वो आईडी लॉगिन करना होगा जिस आईडी से आपने परचेस किया हुआ है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो लॉग यहाँ पे हम फिर साइन इन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो हम साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। और आपको वो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फ़ोन नंबर आ गया और पासवर्ड आ गया, तो आपको ध्यान देना है कि आपको वही ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर देना है जिस ईमेल से आपने अमेज़न प्राइम वीडियो को परचेस किया है। ठीक है, तो साइन इन कर लेते हैं, यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे हम साइन इन कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, अगर यहीं से हम चाहें तो अपने फ़ोन में ही हम सब कुछ चला सकते हैं, लेकिन मुझे चला के दिखाना है अपने टीवी में। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, ये इसको हम कट कर देते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं, गूगल क्रोम के होम पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद हमको ये वेबसाइट ओपन करना है जो टीवी में जनरेट हो रहा है, जैसे कि टीवी में लिखा हुआ है primevideo.com/mytv। तो हम ये वाला वेबसाइट अब यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। हमको यहाँ पे सर्च करना है www.primevideo.com/mytv लिख के यहाँ पे हमको सर्च कर देना है। जैसे ही हम लिख के सर्च करते हैं दोस्तों, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो। आपके फ़ोन में भी इंटरफेस इस तरह का ही आएगा दोस्तों। अगर यही वेबसाइट अब आप पहले ही ओपन कर किए होते तो आप लॉगिन कर पाते, लेकिन वो आईडी लॉगिन नहीं कर पाते जिस आईडी से आपने परचेस किया है। तो हमको यहाँ पे अपना कोड, यहाँ पे जो भी टीवी में जनरेट हो रहा है वो कोड हमको यहाँ पे डाल लेना है, EMVEMP। अब आप देख सकते हो ये सेम जो टीवी में कोड दिख रहा है और जो सेम कोड फ़ोन में जो मैंने डाला है, अब यहाँ पे रजिस्टर डिवाइस वाले बटन पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो मेरे टीवी में ऑटोमेटिक ये चालू हो गया है। ठीक है, अब ये कौन सा हमको देखना है, ये मेरा प्रोफाइल है शुभम, बगल में है किड्स, या फिर अब यहाँ से मुझे अपने फ़ोन को कुछ भी नहीं करना है, फ़ोन को हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम शुभम वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करके। अब आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरा अमेज़न प्राइम वीडियो खुल चुका है, कोई सा भी मूवीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए कोई भी सा भी एक मूवीज़ ओपन कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साउंड ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे कॉपीराइट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली चल रहा है सब कुछ अच्छे से। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो आप देख सकते हो दोस्तों ये फिल्म चल रहा है। तो फिलहाल मैं तुरंत इसको बैक कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा देर मैं इसको चला नहीं सकता क्योंकि ये कॉपीराइट में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम फिर से हम बैक आके एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे हम बैक आ चुके हैं, फिर से हम प्राइम वीडियो को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो डायरेक्ट मैं यहीं पर होम पेज पर आ गया हूँ प्राइम वीडियो का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।